हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और अब आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक की, मीनिंग ऑफ डिफरेंट एग्रीगेट्स एंड देयर रिलेशनशिप। अलग अलग जो एग्रीगेट्स हमने जो देखे, 8 एग्रीगेट्स देखे जो प्रीवियस लेक्चर में, ये हैं क्या और इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है। तो हम ऊपर वाले कंसेप्ट को समझ कर, जो हमने 3 फॉर्मूला समझा, अब राइटर हमसे कह रहा है कि अब आप इस पोजीशन में हो, अगर आपने उसके ऊपर कबाड़ बना लिया है कि आप डिफरेंट एग्रीगेट्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हो और उनके बीच में क्रॉस कनेक्शन और इंटर रिलेशनशिप को भी जान सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज़ से जो हमारी ज़बान पर रहता है हमेशा, जब भी इकोनॉमिक्स का नाम आता है तो ये चीज़ रहती है हमारी ज़बान पर, GDP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP एट MP, ये नकली है ना, मतलब MP है तो MPA तो नकली है ना। MP को फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो क्या करेंगे, यहां पर देखो, MP को फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो क्या करेंगे, MP में से क्या माइनस कर देना है, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से क्या माइनस कर देना है, सब्सिडीज, ठीक है। ये वाला, मतलब ये वाली रिवीजन आपको होनी चाहिए प्रीवियस लेक्चर से। तो GDP एट MP जो है ये क्या है, सिंस द बेसिक ऑफ ऑल एग्रीगेट्स इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। GDP एट MP को सबसे पहले उसका जिक्र राइटर हमसे कह रहा है इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चीज़ सबसे पहले देश में प्रोड्यूस होगी, ऑफिस ही बात है, बाहर की इनकम को तो बाद में जोड़ेंगे, पहले तो देश के ऊपर निर्भर रहेंगे हम लोग कि वहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज बन रहा है। तो GDP एक ऐसा प्राइमरी मेजर है, एक ऐसा प्राइमरी टूल होता है जो इकोनॉमिस्ट के द्वारा यूज़ करा जाता है इकोनॉमी के एक पर्टिकुलर साल में रेट ऑफ ग्रोथ को जानने के लिए। अगर हमें GDP एट MP की वैल्यू पता लग जाए तो हम दूसरे एग्रीगेट्स तक अपने आप पहुंच सकते हैं जो ऊपर हमने 3 फॉर्मूला पढ़े, ठीक है। तो GDP देखते हैं, सबसे पहले GDP एट MP है क्या, ये मार्केट वैल्यू है सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो कि सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के द्वारा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज जो कि देश में लोकेटेड थे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी कि एक साल में, उनके द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में इस देश के अंदर जो प्रोड्यूस करे गए हैं बाय लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उसको हम लोग कहते हैं GDP एट MP, उसकी मार्केट वैल्यू को, उन सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं, ये GDP एट MP जो मर्जी है, सारी चीज़ों को हटाओ, मुझे यहाँ पर इसके पहले लेटर में ही दिक्कत है, जी ग्रॉस, क्योंकि ग्रॉस मैंने ये सीखा था ऊपर वाले लेक्चर के अंदर कि इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, और ऊपर से दूसरी दिक्कत ये मुझे यहाँ पर मार्केट प्राइस लग रहा है। तो मैं तो भाई हमेशा नेट से और फैक्टर कॉस्ट से खुश होता हूँ, मार्केट प्राइस नहीं पसंद मुझे। मार्केट प्राइस है, इसका मतलब यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं और डोमेस्टिक है ये, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा है, यानी कि ये नेशनल इनकम तो कहीं से भी नहीं है। तो अगेन रिमेंबर, GDP ऑलवेज मीन्स, जब भी आपको ये चीज़ याद रखना, जब भी आपको सिर्फ नॉर्मल तरीके से GDP दे रखा हो, कहीं पर भी बस GDP लिख रखा हो, तो आप समझ जाओ कि GDP एट MP की बात हो रही है, बाकी चीज़ें हमें खुद से निकालनी पड़ती हैं। जैसे G को अगर N बनाना है तो यहाँ पर मुझे डेप्रिसिएशन को करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। और मार्केट प्राइस से अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखो मैंने अभी बताया, मार्केट प्राइस में एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा और इधर डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। एनआईटी तक पहुंचना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि इतना रोल मुझे अगर कोई बता दे कि सब्सिडी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या चल रहे हैं, डेप्रिसिएशन क्या चल रहा है, अपने आप मैं हर फॉर्मूला बनाने के लिए सक्षम हूँ फिर तो, ठीक है। तो GDP को आपसे बोल रहा है, जब भी नॉर्मली अंकिता अगर GDP टर्म अगर मैंशनड हो तो समझ जाना कि GDP हमेशा एट मार्केट प्राइस की बात हो रही है, और वो बोल भी रहा है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, जब तक अलग से बोलकर राइटर ने ना बोल रखा कि नहीं जो ये GDP आपको दे रखी है ये एट फैक्टर कॉस्ट है, नहीं, ठीक है, एट MP ही समझ के चल रहा है हमें। जब भी ये 3 लेटर दिख जाए GDP तो समझ जाओ और कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, ये हमेशा एट MP ही है। जो टर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी हमने देखा ना प्रोडक्ट और इनकम के बीच में क्या फर्क होता है, प्रोडक्ट इंप्लाइज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन,
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. जीडीपी क्या है? जीडीपी इट्स जनरली रिकॉग्नाइज एज प्राइमरी मेजर बिकॉज ये एक इंडिकेटर है इकोनॉमी ग्रोथ कैसे कर रही है. अगर एक बार हम जीडीपी एट एमपी को निकाल लें तो हम दूसरे एग्रीगेट तक डिराइव कर सकते हैं तीन फॉर्मूले के बेसिस पर. कैसे? ये देखते हैं. यानी कि बाकी चीज़ें हमें क्या चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बोला एनआईटी, डेप्रिसिएशन और नफिया. तो सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी. मुझे पता है इस टर्म में ही, इधर को भूल जाओ, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको फोकस करो, बाकी सबको भूल जाओ. मुझे एक चीज़ पता है, ये जी लेटर में ही खोट है क्योंकि ग्रॉस अच्छा नहीं होता. ग्रॉस इसका मतलब डेप्रिसिएशन को लेकर चल रहा है अपने साथ. तो मैंने क्या करा, जीडीपी एट एमपी लिखा और उसमें से डेप्रिसिएशन को मैंने माइनस कर दिया. जब जी में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हट जाता है तो वो नेट बन जाता है. तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया नया, एनडीपी एट एमपी. ठीक है. अब यहां पर मान लो जीडीपी एट एमपी दे रखा और मुझे कोई बोल रहा है तुम्हें ग्रॉस को ग्रॉस ही रहने देना, उसको नहीं छेड़ना है तुम्हें. तो मैं कहा चलो ठीक है. वो बोल रहा है कुछ और एमपी को एमपी रहने देना, वो बोल रहा है सिर्फ डोमेस्टिक टर्म में देखो. तो मैंने बोला डोमेस्टिक चीज़ जो है उसको अगर मुझे नेट बनाना है तो मैं उसके अंदर नफी ऐड कर दूंगा. तो ये क्या बन जाएगा, जी एन पी एट एम पी, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जी और एम पी को भी मत देखो. ठीक है. अब मुझे जी एन पी एट एम पी, ठीक है, ये जो दे रखा है इसको मुझे एन एन पी एट एम पी बनाना है. यानी कि एम पी को एम पी रहने देना है. ठीक है. ग्रॉस को अगेन मैंने नेट बनाना है तो मैंने डेप्रिसिएशन को फिर से माइनस कर दिया. फिर इस बार मुझे अब जीडीपी को जीडीपी रहने देना है, एमपी को एफसी बनाना है. तो फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एमपी में से एनआईटी को माइनस करके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करके. और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे निकालने होते तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर निकालना होता तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस करके, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलेंगे. फिर मुझे निकालना है जीडीपी एट एफसी दे रखा और मुझे इसको एनडीपी एट एफसी बनाना है. यानी कि एफसी को एफसी रखना है, डीपी को डीपी रखना है. तो यानी कि जी में खोट है, जी में से अगेन मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस करा और ये बन गया एनडीपी एट एफसी. अब मुझे जीडीपी एट एफसी को जीएनपी एट एफसी बनाना है. तो यानी कि सिर्फ इसको चेंज करना है, नफिया को ऐड कर दूंगा मैं, तो जीएनपी एट एफसी. फिर मुझे जीएनपी एट एफसी को एनपी और एफसी को सेम रखना है, मुझे अगेन जी को नेट बनाना है तो मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया. हो गई हर एंगल से प्रैक्टिस, हो गई. इसमें हमने करा क्या, वही आठ एग्रीगेट्स हमने लिए, चार थे एमपी वाले, एक दो तीन, ठीक है, एक दो, अच्छा ये बीच में खा गया है लेटर की, वो मिस्टेक है, मतलब सात आई है, सॉरी. ठीक है, तीन ये एमपी वाले, बाकी चार एफसी वाले. आप कैसे भी कर लो अगर आपको पता है तो. ग्रॉस को नेट बनाना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा. फैक्टर कॉस्ट अगर क्या है, लास्ट कहीं पर भी एमपी एनएनपी लिखा हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ता है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट. अब मुझे ये बताओ रागनी, अभी तक की नॉलेज के बेसिस पर मयूर आप भी बताओ, अंकिता आप भी बताना, नेशनल इनकम एनएनपी एट एमपी है या एनएनपी एट एफसी है? एफसी ये है नेशनल इनकम इस केस में. ठीक है, फिर मुझे ये बताओ जीएनपी एट एमपी में ज्यादा दम है या फिर एनएनपी एट एमपी में ज्यादा दम है? इन दोनों में से किस में दम है ज्यादा? एनएनपी एट एमपी में. मार्केट प्राइस में ज्यादा दम होता है या फैक्टर कॉस्ट में ज्यादा दम होता है? फैक्टर कॉस्ट में. ग्रॉस को अगर मुझे, इन सबको भूल जाओ, मुझे यहां पर बताओ, ग्रॉस को अगर मुझे नेट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं? माइनस कर दूं. मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में से क्या ऐड या क्या सबट्रैक्ट करूं कि मैं इसको इनडायरेक्ट टैक्सेस को एनआईटी बना दूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बना दूं? सब्सिडी को माइनस कर दूं.
मैं मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट कैसे बना सकता हूँ? मुझे तीन चीज़ें गिवन है, मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। अब मुझे इन तीनों का इस्तेमाल करके फैक्टर कॉस्ट बनाना है, इसको मैं क्या करूं? सबसे पहले किसको लूं? नहीं पहले नहीं, पहले मार्केट प्राइस रखूंगा मैं यहाँ पर, उसके बाद क्या करूंगा मैं, आईटी सेस को माइनस करके फिर ये दोबारा क्या बन जाएगा, एमपी माइनस एनआईटी और इक्वल टू एफसी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब मुझे डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, मैं क्या करूं? मुझे नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है, मैं क्या करूं? बना लिया 8 के 8 फॉर्मूले तुमने खुद ने के नहीं बताया, हो गया यही गेम था, हो गया खुद, मैंने तो हेल्प नहीं करी ना, खुद ने बोल दिया कि नहीं बोल दिया, जैसे मैंने प्रॉमिस करा था प्रीवियस लेक्चर में, खुद बोलना सीख जाओगे, ठीक है ना, तुम्हें पता भी नहीं लगा तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे अपने आप बोलने लगा है, यही रोल था मेरा। तो जितने लोग मयूर फाउंडेशन कोर्स में एनरोल नहीं कर रहे हैं वो भुगतेंगे, एक और प्रेम्स का इंतजार करो। अब इस डायग्राम की तरफ अगर कोई देखेगा ना तो कहेगा कितना कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको कहता हूँ ये सबसे बच्चों वाला खेल है। देखो जी एन पी एट एम पी से कहानी अपनी स्टार्ट कर लेते हैं, वो बोल रहा है इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, जो दिखा रहा हूँ सिर्फ उसी की तरफ देखना, बाकी मत देखो, अपने आप आंसर बनाने की कोशिश करो। जी एन पी एट एम पी, मुझे पता है कि जब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होते हैं किसी चीज़ में तो क्या बदल जाती है वैल्यू, सिर्फ एक चीज़ की क्या वैल्यू बदलेगी, इनमें से तीनों शब्द चारों शब्दों की, जी बदलेगा, एन बदलेगा, पी बदलेगा या मार्केट प्राइस बदलेगा, मार्केट प्राइस बदलेगा। तो जी एन पी एट एम पी में से एन आई टी में माइनस करूँगा तो देखो फैक्टर कॉस्ट की तरफ आ गया मैं। अब जी एन पी एट एफ सी वही का वही था, इसमें से मैंने नफिया को माइनस कर दिया तो क्या बदल जाएगा, नफिया को सिर्फ मैंने माइनस करा तो इनमें से, नहीं अंकिता जितना बढ़ा रहा हूँ उतना बोलो, जितना बढ़ा रहा हूँ उतना बोलो अंकिता, नहीं ये बदलेगा, नेशनल बोलो डोमेस्टिक बन जाएगा, ये बाकी सेम रहेगा। ये देखो जी डी पी एट एम पी, डी बदला ना। अब अगर इसमें से कोई मुझे बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है तो अब किसकी वैल्यू बदलेगी, ग्रॉस की, ग्रॉस की, ग्रॉस क्या बन जाएगा, नेट बन गया, लो नेट बन गया। अब मुझे इसमें कोई बोल रहा है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करो, अब क्या बदले, अब क्या बदलेगा, नहीं हम उल्टा चले गए अब यहाँ से, हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो ऊपर से वापस से अब लेफ्ट साइड जाते हैं। मुझे कोई बोल रहा है जी एन पी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करो, क्या बदल जाएगा, ग्रॉस नेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई मुझे बोल रहा है नफिया माइनस करो, हाँ नेशनल से डोमेस्टिक बन जाएगा, वेरी गुड। फिर इसमें कोई मुझे बोल रहा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, एमपी बदल जाएगा और फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर की तरफ फिर से यहां से स्टार्ट करो, अब नीचे की तरफ जाएंगे, जीएनपी एट एमपी में मुझे कोई बोल रहा है नफिया माइनस कर दो, क्या बदलेगा इन चारों में से, डोमेस्टिक बन जाएगा, ये इसकी तरफ आओ आप, इसकी तरफ एन एन पी एट एम पी, इसमें से मुझे कोई बोल रहा है एन आई टी माइनस कर दो, क्या बदल जाएगा, फिर एफ सी बन जाएगा। अब इसकी तरफ आओ तीसरे वाले की तरफ, जी एन पी एट एफ सी, इसमें से मुझे कोई बोल रहा है डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, क्या बदल जाएगा, ग्रॉस नेट में बदल जाएगा। अब बीच वाले की तरफ आओ, जी डी पी एट एम पी, इसमें मुझे कोई बोल रहा है सबसे पहले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस माइनस कर दो, माइनस एफ सी बन गया। अब वापस जाते हैं लेफ्ट साइड, इसमें मुझे कोई बोल रहा है डेप्रिसिएशन माइनस कर दो जी डी पी एट एम पी में से, इसमें ग्रॉस नेट बन जाएगा, हो गए सारे के सारे।
हो गए बस, ये कहीं बनाकर नहीं आना, डोंट वरी कुछ आएगा नहीं, लेकिन बस एक कि मतलब प्रैक्टिस कितनी हुई है, ये लास्ट चीज़ है देखने के लिए कि अगर ये सब कर पा रहे हो। उंगली जैसे हाथ रख रख के इन सबको जैसे देखो कि यहाँ तक आपने मतलब मान लो इसके ऊपर मतलब मान लो अपना हाथ रखा हुआ है, ठीक है, और आप छुपा छुपा कर जैसे हम लोग पढ़ते नहीं है कि ये मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, बस ये प्रैक्टिस करने के लिए। क्या क्या अब एक एक्सरसाइज यहां पर भी कर लो, ये मुझे बता दो जीडीपी और जीएनपी में फर्क किस बात का है, सिर्फ नफिया का है ना, तो देखो वेरी गुड, नफिया का फर्क है। ऊपर देखो फिर जीडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी में से क्या क्या फर्क है, एक तो एनआईटी का फर्क है और नफिया का फर्क है और डेप्रिसिएशन का फर्क है। ये देखो नफिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और डेप्रिसिएशन, शाबाश। जीडीपी एट एफसी और एनएनपी एट एमपी में क्या फर्क है, ऊपर से चला करो पहले आगे, जी और एन डेप्रिसिएशन, तो आराम से हर क्वेश्चन कर पाओगे पृथ्वी का अगर ये चलोगे। दूसरा डी और डी मैच करो, नहीं है यहां पर, तो किसका फर्क है दूसरा, मतलब ऐड नहीं करना, मतलब एक बात बता रहा हूँ बस, मैं लिख रहा हूँ कि किस किस चीज़ को फर्क है, मैं कैटेगरी बना रहा हूँ इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ बस, ठीक है, ये प्लस नहीं करना बस इसलिए, मतलब ये नंबर वन और नंबर टू, ठीक है, नंबर टू किसका फर्क है क्या बोल रहे हो, नफिया का है ना, नफिया का फर्क है, सिर्फ फर्क बता दो बस मुझे। और तीसरा क्या है, एफ सी और एफ सी नहीं है इधर, एन आई टी का फर्क है, तो देख लो बात वही है, डेप्रिसिएशन, नफिया, एन आई टी। फिर आगे बढ़ते हैं, जी एन पी एट एफ सी और जी एन एन पी एट एफ सी, जी और यहां पर एन है, किसका फर्क है, डेप्रिसिएशन का फर्क है। उसके बाद एन और एन तो कॉमन है, पी और पी भी कॉमन है, एफ सी और एफ सी भी कॉमन है, तो किसका फर्क था सर, बस ये डेप्रिसिएशन का फर्क है। जी एन पी एट एफ सी और जी एन पी एट एम पी, जी और जी तो कॉमन है, एन और एन भी कॉमन है, पी और पी भी कॉमन है, एफ सी और एम पी अलग दिख रहे हैं, किस चीज का फर्क है, नीचे देखो एन आई टी। उसके बाद जी डी पी एट एम पी और एन एन पी एट एफ सी, जी और एन में फर्क है, किसका फर्क है, डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक और नेशनल में दो चीजों का फर्क था, ये लो नफिया और डेप्रिसिएशन। इसके बाद जी एन पी एट एम पी और एन डी पी एट एफ सी, जी और एन अलग दिख रहे हैं मुझे, किस चीज का फर्क है, डेप्रिसिएशन। एन और डी भी अलग दिख रहे हैं मुझे, किस चीज का फर्क है, नफिया का। और एम पी और एफ सी भी अलग दिख रहे हैं मुझे, किस चीज का फर्क है, तो डेप्रिसिएशन, नफिया और एन आई टी, ये लो डेप्रिसिएशन, नफिया और एन आई टी। फिर कैन जी डी पी बी ग्रेटर देन जी एन पी, हो सकता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकती है, मतलब फर्क कितना है इसमें सर, किस बात को कैलकुलेट करना है हमें, नफिया, नफिया के कंसेप्ट को लेना है, क्योंकि यहां पर डी और यहां पर एन, बाकी सब तो कॉमन है ना। और हमने क्या पढ़ा था, जब ऐसी बिल्कुल नॉर्मल दे रखा हो जी डी पी और जी एन पी, तो हम क्या मान के चलते हैं, कौन से रेट पर है ये मार्केट, वेरी गुड। तो इस केस में भी जब नॉर्मल दे रखो हमेशा मार्केट प्राइस मानो, ठीक है उसको, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये ज्यादा हो सकती है, अभी तुम बोल रहे थे हाँ नीचे देखो जीडीपी कैन बी ग्रेटर देन जीएनपी, पहली बात सही थी, देखो पलट गए ना, जब जब नफिया नेगेटिव हो, ये गेम है और ये प्रिलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, पक्का बता रहा हूँ। और प्रीवियस जैसे जब ये पैटर्न बदला था 2013 से, उससे पहले आते थे बहुत पुराने टाइम में ऐसे क्वेश्चन, अगर आप 25 इयर्स के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करोगे ना, देखने को मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन, और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है वैसे। नफिया ऐड नहीं होएगा, माइनस हो जाए तो हो जाएगा जीडीपी ग्रेटर बस। और यहाँ पर पता है गेम क्या है, ये क्यों बोल रहा है नफिया नेगेटिव, अच्छा मुझे ये भी बता दो सर, नफिया नेगेटिव कब होता है, जब नेट फैक्टर
इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना होकर क्या हो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हो गया गेम सॉल्व। हाँ, इसलिए राइटर हम पे ये बुक एक एक लाइन इसकी बात करती है हमसे, पहली हिंट देती थी इसने हमें कि भाई साहब ये ध्यान से चलना, ये याद करके चलना आगे। अब बताओ नितिन सिंघानिया से ज़्यादा बेटर बुक है कि नहीं, अगर हम उसको करने बैठेंगे वो बच्चों वाली नहीं हो जाएगी हमारे लिए, बताना। ये हिडन मटेरियल है इसका। हाँ, और बुक्स खरीदने में कोई भी पैसा खर्च मत करना, जैसे क्या होता है मैं लेक्चर करवा देता हूँ और पीडीएफ दे देता हूँ ना, तो आप लोग बस मतलब अपनी नोट्स वगैरह बना लो, हर बुक खरीदने की जरूरत नहीं। टेबल पे जितना कम मटेरियल होगा ना, सिर्फ अगर आपकी A4 शीट्स हैं, आपके नोट्स हैं, आपको बहुत खुशी मिलेगी कि भाई मैंने सारी चीज़ों की बुक की तकड़म निकाल कर निचोड़ कर बस यही मेरे फाइनल नोट्स हैं, ये मेरी खुद की बुक है, मैं किसी और के ऊपर रिलाई नहीं करता, मैं किसी और के ऊपर रिलाई नहीं करती। अलमारी में जितनी ज़्यादा ये बुक सजी होंगी वो बाहर वालों को लगता है आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रही है, साइकोलॉजिकल प्रेशर वाली बात होती है खुद पे। ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।